हेलो दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ई डी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले हम स्केल पढ़ेंगे। ये स्केल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी के लिए हैं। स्केल पढ़ना है इसमें। आज का हमारा कौन सा चैप्टर है? स्केल। स्केल देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज स्केल, व्हाट इज द स्केल। तो आपको मैं एक डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप हो सकता है वीडियो पॉज करके धीरे धीरे करके आप लिख लेना। स्केल इज अ डिवाइस, स्केल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज टू मेजर, व्हिच इज यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने? स्केल इज अ डिवाइस व्हिच इज मेजर एनी साइजेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्केल की परिभाषा, तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखेगा नहीं वैसे। स्केल इज अ डिवाइस, स्केल इज अ डिवाइस व्हिच इज मेजर मेजर एनी साइजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसके लिए डिवाइस व्हिच इज मेजर टू एनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी साइज का मेजर करना ही हमारा स्केल कहलाता है। स्केल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हमें आता है कि अभी तो हमारे पास स्केल है, घर पे हमारी स्केल रखी हुई है, लेकिन जब स्केल नहीं थी मार्केट में, बनी ही नहीं थी, सबसे पहले इसकी ड्राइंग बनाई गई है, फिर स्केल बनाई गई है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? स्केल कैसे बनाते हैं? हमें किसी भी चीज़ को मेजर करना, जैसे डेफिनेशन लिखाई थी, डेफिनेशन क्या थी? स्केल या डिवाइस व्हिच इज यूज मेजर एनी ऑब्जेक्ट, एनी साइजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उस टाइम पे क्या है कि इस कंडीशन में हमें कैसे देखना है? मान लो एक घड़ी का कोई पार्ट्स है, या मैं जो पेन लिया हूँ, ये पेन है, इस पेन को मुझे ड्राइंग बनानी है ताकि जब मैं कंपनी में दे सकूँ तो मैन्युफैक्चर हो सके। इसकी सबसे पहले मुझे ड्राइंग देनी होगी। इस ड्राइंग दूंगा, इस पेन की जो लेंथ होगी ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर, लेट्स मेक अ 5 सेंटीमीटर, 5 से 5 सेंटीमीटर मैंने इसको मान लिया। अगर जो ये 5 सेंटीमीटर की है, इसकी मैं ओरिजिनल साइज बना के दे दूँगा, मतलब फुल लेंथ ऑफ साइज फुल हो जाएगी। मान लो यहाँ पे कोई घड़ी के पार्ट्स हैं, मेरे पास मोबाइल, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स को हमें बनाना है, ड्राइंग बनाना है। पार्ट्स उनके बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कोई पार्ट्स हो गया 0.001 mm, ऐसे छोटे पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इनकी जो ड्राइंग बनाएंगे इनको बढ़ा के बनाएंगे, बढ़ा देंगे। और मान लो इसकी जगह नहीं समझ में आया, अगर जो एक हमारे पास एयरक्राफ्ट है या एरोप्लेन है, एरोप्लेन की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा, कितनी ज़्यादा होती है, हमने उसको मान लिया कि उसकी जो लंबाई है एयरक्राफ्ट की कितनी है, 100 फीट, 100 फीट है। इसकी ड्राइंग बनाना हमें इस पेज में, इसकी ड्राइंग हम इस पेज में कैसे बनाएंगे? इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। अगर जो हमें कोई घड़ी के पार्ट्स बनाने, इतना छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे इसके साइज को। बस यही है हमारा स्केल के अंदर थोड़ा सा, तो इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, या इसको रिड्यूस कर रहे हैं हम हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज, मान लो ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, ये 50 फिट का है, इसको हम छोटा सा करेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एरोप्लेन 100 फिट का है, कितना, 100 फिट, इसको मैं रिड्यूस कर दूँ, कितना, 50 टाइम कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 2 फिट, कितना हो जाएगा, 2 फिट। तो मैंने इसको कितना रिड्यूस किया, कितना कम किया, 1/50, 150, दैट कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम, ये जो 2 फिट की हम ड्राइंग बनाएंगे, किसको रिप्रेजेंट करें, कितना हमने कम किया, 100
एक बटा पचास, 50। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और या इसको शॉर्ट में बोल देते हैं आर एफ। कौन सा आर एफ है? ये हमने रिड्यूस किया है। आर एफ हमारा तीन प्रकार का हो जाएगा। अगर जो इसमें है, इसमें हमें इनलार्ज करना है, तो इनलार्ज के केस में क्या हो जाएगा, जब आर एफ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनलार्ज इनलार्ज, और एक हो जाएगा फुल साइज। तो आर एफ के टाइप तीन प्रकार के यहाँ से हमें निकल के आते हैं। जो आर एफ होता है थ्री टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा फुल साइज, फुल साइज। दूसरा हो जाएगा इनलार्ज। तीसरा हो जाएगा रिड्यूस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। देखिए दोस्त, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल बेस है। जिनको कुछ भी नहीं आता, पहली बार फर्स्ट टाइम ईडी पढ़ रहे हैं, उनके भी समझ में आएगा। तो आपको हर चीज़, अगर जो हाँ किसी को एक्स्ट्रा आगे निकल चुके हैं, पढ़ चुके हैं वो लोग, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को आगे बढ़ाकर ना देखें, एक साइड से देखें। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें अभी नई चीज़ समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो आपको एक साइड से ही पूरी वीडियो को देखना है, एक साइड से ही पढ़ना है। कुछ हो सकता है चीज़ें आपको समझ में आए, नहीं तो फिर क्या है कि अदरवाइज आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे फुल साइज, इनलार्ज, रिड्यूस, ये हमारे क्या है, आर एफ के टाइप है। आर एफ क्या होता है, जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट 100 फीट के एयरक्राफ्ट को 1/50 रिप्रेजेंट करता है कि ये 2 फीट का बना हुआ है। जैसे हमें कोई एक रोड बनानी है 100 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की रोड बनानी है, इसकी जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, मैप में ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग में 100 किलोमीटर नहीं दर्शा सकते A4 साइज पेपर में, छोटा सा पेज होगा, A4 साइज होगा या A1 साइज भी होगा, तो उसमें 100 किलोमीटर हम शो नहीं कर सकते। तो इसको कुछ कम करेंगे, किलोमीटर की यूनिट चेंज करेंगे, वो आगे आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आर एफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फैक्टर। स्केल में हमारा सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है यूनिट। अभी मैंने बोला कि किलोमीटर लिखा हुआ है, उससे हम कम करेंगे, तो यूनिट हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होती है। यूनिट इस चैप्टर में स्केल पढ़ने के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है टॉपिक है यूनिट का। यूनिट आपको सबसे अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना है। यूनिट हमारी तीन प्रकार की होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनिट तीन प्रकार की। एक तो होती है LINEAR, लीनियर मेजरमेंट। दूसरी होती है स्क्वायर मेजरमेंट। तीसरी होती है मीटर, किलोग्राम सेकेंड या फुट पाउंड सेकेंड, MKS या FPS, तीन प्रकार के हैं। तो लीनियर मेजरमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट का होता है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब हम आते हैं यहाँ पे स्क्वायर मेजरमेंट है। स्क्वायर मेजरमेंट में सिर्फ वही होना है, यहाँ पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समझते हैं कैसे होता है, इस प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो हमें
यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी माफी चाहूंगा, मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, और ये भी 10 मिलीमीटर। यहाँ से इसका जो भी एरिया होगा, जो भी एरिया होगा यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, 10 × 10। एरिया कैसे निकालते हैं हम, लंबाई गुणा चौड़ाई, विड्थ इंटू हाइट और लेंथ, तो 10 × 10 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर को हमने क्या बोला यहाँ पे, 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी और 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे इस प्रकार। और हाँ, अगर ये आपको नहीं आया भी समझ में, तो आप बिल्कुल भी आप घबराइए मत, आपको एक एक चीज़ मैं बेस बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा बिल्कुल शुरू से। अब यहाँ पे क्या करना है, जो नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे सिर्फ जो लीनियर मेजरमेंट है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्या कर देना है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, 10 का स्क्वायर 100 और 1 का स्क्वायर 1। फिर यहाँ पे लिखा 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे 100 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 10। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 डेका मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ये होता है ARER स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक एयर हो गया, एक हो जाती है एकर, ये हमें मिलेगी आगे। फिर यहाँ पे बस ही सेम टू सेम यहाँ तक आगे तक बढ़ जाता है नीचे तक। अब यहाँ पे हमारा आता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, या FPS, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ये यूनिट आती है। अब इसमें हमें ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप घबराइए नहीं, मैं एक एक चीज़ अभी बताया, जैसे एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, और यहाँ से कैसे यूनिट कन्वर्जन करना है ये मैं अभी आपको सब बताऊँगा। यहाँ पे आप, आपके पास अभी स्केल रखी होगी, स्केल अपने पास लेकर बैठे, तो आपको वहाँ से आधी में यूनिट क्लियर करवाता हूँ। आपके पास स्केल होगी, छोटी वाली होगी या बड़ी वाली होगी, बड़ी वाली इसके पास स्केल है वो होती है 1 फिट की, और उसमें आप देखेंगे एक साइड लिखा होगा इंच और एक साइड लिखा होगा सेंटीमीटर। जिस साइड इंच लिखा होगा वो होगी 12 इंच, और जिस साइड सेंटीमीटर लिखा होगा वो होगी 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें एक चीज़ निकल के आती है कि 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, 1 फुट, ठीक है। 30 सेंटीमीटर बराबर 12 इंच बराबर 1 फुट। यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, यहाँ 25 25 सेंटीमीटर, या हम यहाँ पे 2.5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ 12 इंच बराबर 30 सेंटीमीटर, मुझे 1 इंच चाहिए, 1 इंच, 1 इंच कैसे निकालेंगे, 30 बाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 इंच बराबर कितना हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 बराबर सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। जब हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो ये नहीं होता, वो हो जाता है 20, जब मिलीमीटर में लिखते हैं तो 25.2 आता है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे अप्रॉक्सली मैट्री, यहाँ पे हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लगभग। फिर 12, ये भी बताया था 12 इंच बराबर 1 फुट, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 यार्ड, यार्ड को हम गज भी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसका मतलब होता है क्या, गज, 220 यार्ड बराबर 1 फरलांग,
आठ फरलॉन्ग बराबर एक मील, एक माइल्स के 8 फरलॉन्ग बराबर 1 मील यहाँ पे, और एक माइल में होता है 1.6023 किलोमीटर। 1 माइल में हो जाता है 1.6023 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन करना है। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको जिसको भी लिखना है तो आराम से आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और यहाँ से पूरी यूनिट आप लिख लीजिए, हमेशा आपके काम आएंगे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अगर जो आपको स्केल पढ़नी है तो यूनिट आपको याद करनी है। लेकिन हाँ, आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा, रटना किसी भी चीज़ को नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं लीनियर मेजरमेंट में। अगर जो मैं आपसे बोल दूँ कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान से सुना फ्रेंड्स, फिर से मैं रिपीट अगेन, 1 किलोमीटर में वन हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए आप, ये किलोमीटर, यहाँ से आपको सेंटीमीटर यहाँ तक जाने में कितने 10 को क्रॉस करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, 6 10 के पास जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे, मतलब 10 का इंटू करना 6 टाइम, तो 10 to the power 6 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 10 to the power 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर जो मैंने ये पूछ लिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, तो आप बोलेंगे 10 to the power -6 किलोमीटर। अगर जो यहाँ पे मैंने पूछा 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, तो डेकामीटर कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से हमें यहाँ तक जाने में कितने 10 को क्रॉस करना पड़ता है, 1 2 3 4, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 to the power 4 सेंटीमीटर। अगर जो आपको 1 हेक्टोमीटर में निकालना है कि कितने डेसीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर से 1 2 3 4, 4 डेसीमीटर। किसी भी यूनिट को निकालना है वैसे ही आप गुणा करते चले जाइए, आपके निकल आएंगे इंटू। अब आते हैं यहाँ, सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई करना है। अगर जो आपसे कोई पूछ लेता है कि 1 माइल 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, 1 मील आपको मिला 8 इंच, सबका यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका क्या कर देना है, इंटू कर देना है, यहाँ पे 8, फिर क्या आपको मिला 220, फिर क्या मिला 3, फिर क्या मिला 12, और लास्ट में क्या मिला 2.5, इन सबका इंटू करो, 1 माइल में उतना इंच आ जाए। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट में किन्हीं भी चीज़ का निकालना, आपको फरलांग से अगर जो फुट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, फरलांग से यहाँ पे 220 इंटू 3 इंटू 12 आ जाएगा आपको फिट। 1 फरलांग में कितना फिट होगा, 220 गुणे 3 गुणे 12। यहाँ से अगर जो आपको 1 फरलांग में कितने यार्ड होते हैं, कितने गज होते हैं, तो यहाँ पर लिखिए 20, 220 यार्ड। क्लियर, जिसने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आराम से लिख लें। और इनको हाँ याद करना है, लेकिन रटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना इनको, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और ये मेरा पहला लेक्चर है, स्केल से स्टार्ट किया है। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उनने पूछा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है, प्रोजेक्शन के अंतर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्शन भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी आरएफ वगैरह कहीं यूनिट कन्वर्जन भी, यूनिट कन्वर्जन उसमें ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम स्केल पढ़ लेते हैं, उसके बाद से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी ऑर्थोग्राफिक ही बताऊँगा, लेकिन उसमें अभी डायरेक्ट हम नहीं चलते हैं, पहले बेसिक हम इंजीनियरिंग ड्राॅइंग को समझ लेते हैं कि बेसिक इसमें क्या चीज़ें हैं। तो स्केल की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा ही थी, स्केल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बट अब इसमें क्या करना है कि जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन में पैरामीटर को यूज करते हैं तो हमेशा रिड्यूस आरएफ ही यूज करते हैं, और
इसके अगर जो आपको लिखना है तो वहीं पे लिख सकते हैं दीज सिक्स पैरामीटर, मतलब छह पैरामीटर स्केल पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिक्स पैरामीटर वो कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें स्केल पढ़ना है, स्केल हम पढ़ रहे हैं, कितने पैरामीटर होते हैं इसमें? सिक्स। जैसे मैंने अभी कहा सिक्स पैरामीटर है, तो पहला है हमारा स्केल। स्केल में पहला है आर एफ। आर एफ मैंने आपको बताया है तीन प्रकार के, और दूसरे इसमें आता है साइज। अब आप बोलेंगे सर आपने ये साइज तो नहीं बताया, ये क्या होता है? साइज हमें होता है तीन प्रकार का होता है, समझना। एक तो होता है फुल साइज, फुल साइजेस। दूसरा होता है एनलार्ज साइज। तीसरा होता है रिड्यूस साइज। इन्हीं में से आर एफ हमारा बन जाता है, जो फुल साइज का आर एफ होता है वो होता है आर एफ इज इक्वल टू वन। फुल साइज का ओरिजिनल आर एफ, एनलार्ज साइज का जो आर एफ होता है उसको हम क्या होता है बढ़ाना पड़ता है, एनलार्ज करना पड़ता है। तो इसका आर एफ लेस देन वन और इसका आर एफ ग्रेटर देन वन, रिड्यूस का ग्रेटर देन वन होगा। सॉरी, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन, क्योंकि कोई भी चीज एनलार्ज में अगर जो एक मिलीमीटर की है तो इसको हम देख नहीं पाएंगे, इसको हम बढ़ाएंगे 10 टाइम 10 टाइम, तो मतलब ये एक से बड़ा है। और तीसरी चीज इसमें आती है यूनिट, यूनिट। यूनिट की हमने चर्चा अभी कर ली है, डिटेल में कर ली है, तो आप देख चुके हैं यूनिट। फिर आता है टाइप्स। स्केल आर फाइव टाइप्स, स्केल आर कॉन्सिस्ट ओनली फाइव टाइप्स। पहला प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा कॉम्परेटिव स्केल, चौथा स्केल ऑफ कॉर्ड्स, और पांचवा होता है वर्नियर स्केल। कितनी प्रकार की होती हैं? पांच प्रकार की, जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला होता है प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा कॉम्परेटिव स्केल, चौथा वर्नियर स्केल, एंड लास्ट स्केल ऑफ कॉर्ड्स, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। हमारे आईटीआई के सिलेबस में फिर सिर्फ टू टाइप्स के हैं, स्केल और डायगोनल स्केल। ये कभी नहीं आते हैं, लेकिन कॉम्परेटिव स्केल भी रिलेटेड है, मिलती जुलती है कॉम्परेटिव स्केल, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, हमें दो प्रकार की स्केल पढ़नी है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे फिर ये कितनी चीजें हो गए, कितने पैरामीटर हो गए? चार पैरामीटर हो गए। पांचवा है लेंथ एल मैक्सिमम एम एक्स। ये क्या होता है? जो मैंने एयरक्राफ्ट का या हवाई जहाज का एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था 100 फिट का होता है, उसको हमने रिड्यूस किया था लेंथ ऑफ मैक्सिमम लेंथ। जो एयरक्राफ्ट है उसकी कितनी लेंथ है मैक्सिमम? 100 फिट की, वही है उसमें मैक्सिमम लेंथ। लास्ट होता है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल इसको भी समझ लेंगे, जब आरएफ निकालते हैं तो हम जिस ड्राइंग में हम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस लेंथ से बना रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है? वो होती है हमारी लेंथ ऑफ स्केल। जैसे कि आरएफ हम निकाल रहे थे, यहाँ पे फिर से मैं वही चीज़ यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक के। इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ तब तक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल या आरएफ निकालने के लिए किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो फिर से हम स्टार्टिंग में ही चलते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया था 100 फिट का
एक हवाई जहाज है, इसको हमने कितना रिड्यूस किया, 50 टाइम रिड्यूस कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 2 फिट, 2 फिट का बचेगा, 50 टाइम हमने रिड्यूस किया, ये हमारी रिड्यूस की हुई है। तो हमारा जो आरएफ का फॉर्मूला बनता है तो वो होता है एक्चुअल या ड्राइंग ऑफ लेंथ इज इक्वल अपॉन एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। इसको मैंने याद करने के लिए ट्रिक के तौर पर बताया था डीएल अपॉन एएल, होता नहीं है सिर्फ ट्रिक के लिए है, आरएफ इज इक्वल टू डीएल अपॉन एएल होता है, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब यहाँ से दूसरा एक फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, एक ये फार्मूला, दूसरा होता है लेंथ ऑफ स्केल या स्केल की लंबाई, पैमाने की लंबाई, तो यहाँ पे हो जाता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, यही हो जाता है एल एम ए एक्स जो मैंने लिख दिया था, लेंथ मैक्सिमम लेंथ, कितनी लेंथ उसकी होती है उसको आर एफ में इंटू कर देते हैं। ये दो फॉर्मूले हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बस इनको आपको लिख लेना है और इनको याद कर लेना है, स्केल यहाँ से हम पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैंने पूरे आपको 6 पैरामीटर बता दिए हैं, 6 पैरामीटर फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार, क्या होता है, पहला तो हमने सबसे पहले देखा था यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे आर एफ, फिर पहला आर एफ, दूसरा साइज, तीसरा हमने देखा था उनके साइज के बाद एल मैक्सिमम देखा था, आर एफ निकाला था, स्केल के टाइप्स देखे थे वगैरह, और लेंथ ऑफ स्केल देखी थी हमने। ये 6 पैरामीटर हमने पढ़े हैं और एक यूनिट, कौन कौन से, आर एफ, साइज, यूनिट, टाइप, एल मैक्सिमम और लेंथ ऑफ स्केल, ये 6 पैरामीटर पढ़े हैं, बस 6 पैरामीटर को मिला के हमें ड्राइंग पूरी पढ़नी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्केल का, प्लेन स्केल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसका, सो लेट्स गेट स्टार्टेड डिस्कशन फॉर स्केल। तो यहाँ पे हमारा प्लेन स्केल, मैंने अभी बताया था हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है या फिर हमारे काम का है। अगर जो आपको एक्चुअली में नॉलेज के लिए पढ़ना है, और जैसे अभी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे लोको पायलट का, उसमें बहुत ज़्यादा स्केल का रोल रहता है, आर एफ से क्वेश्चन बनता ही बनता है तो कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ पे आर एफ का पूछ लेता है कि एनलार्ज या फुल साइज का आर एफ एक से कम होता है ज़्यादा होता है, एनलार्ज का एक से कम होता है ज़्यादा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरा हमें दो स्केल पढ़ने हैं, दोनों लिख लेते हैं, प्लेन स्केल और एक क्या थी, डायगोनल स्केल। हमें कौन कौन से हमारे सिलेबस में, प्लेन स्केल और डायगोनल, पहले हम देखेंगे प्लेन स्केल। नंबर एक, प्लेन स्केल की डेफिनेशन देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन से हमें आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो प्लेन स्केल की हमारी डेफिनेशन होती है, प्लेन स्केल इज अ सोज रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव यूनिट्स एंड दीज आर यूनिट एंड विथ यूनिट विथ टू सब डिवीजन, दो सब डिवीजन के बीच की जो भी रिलेशनशिप दर्शाती है। मैंने एक शब्द इसमें यूज किया है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है कि लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, तो क्या यूनिट भी एक के बाद एक होती है, बिल्कुल यस होती है। यूनिट कैसे होती हैं कि हमारी एक के बाद एक बढ़ती हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। ऐसा नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से लगा डायरेक्ट हम मीटर में पहुंच जाएं, या डायरेक्ट हेक्टोमीटर में पहुंच जाएं, या डायरेक्ट डेकामीटर में पहुंच जाएं, तो वो लगातार नहीं है,
कैसे हमें लगातार जाना है, एक के बाद एक, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक। तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, प्लेन स्केल। और जहां पर एक के बाद, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव ये वर्ड नहीं आता है, वहां पे क्या करते हैं, लगातार नहीं होता है, एक के एक को क्रॉस करके पहुंच जाता है। जैसे हमें मिलीमीटर से कायदे से तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आना चाहिए सेंटीमीटर, अगर जो यहाँ पे डायरेक्ट डेसीमीटर आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल स्केल। पहले पहचान स्केल की यूज कहाँ होगा, दो लगातार अगर जो यूनिट्स हैं कोई भी, वहाँ पे हमारा यूज होगा प्लेन स्केल। अगर जो दो लगातार नहीं है, एक में कोई ब्रेक है, बीच में छूटा हुआ मिसिंग है कोई यूनिट, तो वहाँ पे यूज होगा डायगोनल स्केल। सबसे ज़्यादा डाउट इसी में रहता है कि प्लेन स्केल कहाँ पे बनती है और डायगोनल स्केल कहाँ पे बनती है, पहला डिफरेंस। दूसरा अंतर इसमें यह है, प्लेन स्केल जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे दो यूनिट्स के बीच करना है, दो यूनिट्स का रिलेशनशिप दर्शाना है, और डायगोनल स्केल में दो या दो से अधिक, दो दो से ज़्यादा तीन यूनिट्स का रिलेशनशिप दर्शाना है। सबसे बड़ा इसमें डाउट वाला क्वेश्चन जो आता है, इसको आप गौर से देखिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट रहेगा। मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर बराबर, या कोई भी यूनिट लिख दिया, कोई भी एक रोड है उसमें आपको कोई भी एक प्लेन स्केल बनाइए या रचना कीजिए, उस प्लेन स्केल में आपको 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर दर्शाइए, 2 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर दर्शाना है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव लगातार यूनिट्स हैं, इनको हम प्लेन स्केल में लगा देंगे। अगर जो इसमें लिखा हुआ है 3 डेसीमीटर एंड 10 मिलीमीटर को शो करिए, तो यहाँ पे क्या है, एक ब्रेक करके गया, डेसीमीटर के बाद हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में नहीं पहुँच सकते हैं, कहाँ हमें जाना होगा, सेंटीमीटर में। तो इनके जो बीच को, दोनों को जो सेतु का काम करता है ब्रिज का, तो वो क्या है, सेंटीमीटर। ये सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी, ये तीसरी, हम डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी में नहीं पहुंच सकते जब तक दूसरे में टच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर का यूज करना पड़ेगा, तो डायगोनल स्केल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 यूनिट यूज हो रहे हैं, 3 यूनिट के बीच में रिलेशनशिप दर्शाना है। तो हमारी यहाँ प्लेन स्केल जो होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं एक बार ऐसे समझाता हूँ, क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक यहाँ पे स्केल लिया, कुछ लंबाई की होगी है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का एक बॉक्स बना लिए। मान लिया इस स्केल की जो लंबाई है, ओरिजिनल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है ओरिजिनल, इसकी है 50 फिट। कितनी है, 50 फिट। तो क्या 50 फिट की मैं यहाँ, संभव है, पॉसिबल है यहाँ पे बना पाना, इम्पॉसिबल। 50 फिट की मैं इस पेज पे या अपने बोर्ड पे, ड्राइंग बोर्ड पे इसको नहीं बना सकता। तो क्या करेंगे हम, इसको रिड्यूस करेंगे। कितनी रिड्यूस करेंगे, वो उसमें तो क्वेश्चन में होगा, या हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं, यहाँ पे 50 टाइम रिड्यूस कर लिया इसको, कितना, 50 टाइम। तो 25 टाइम रिड्यूस किया, यहाँ पे आ जाएगा 2 फिट। ये 1/25 टाइम हमने इसको रिड्यूस किया, कम किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा RF हो जाएगा। रिड्यूस कर रहे हैं तो RF, 1/25 एक से कम है, तो जो रिड्यूस RF होता है तो एक से कम होता है, और जो एनलार्ज RF होता है एक से ज़्यादा होता है। एनलार्ज RF बहुत कम पूछता है, शायद इस ITI के क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं पूछता। यहाँ पे 2 फिट की हमें ड्राइंग बनाएंगे। अब क्या 2 फिट की बना पाना संभव, इम्पॉसिबल है, अगर जो नहीं है तो इसको और टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लो यूनिट चेंज कर दिया, यहाँ पे हम यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, इसको फिट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस जितनी भी आएगी यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे फिट नहीं होते, लीनियर मेजरमेंट में होता, सेंटीमीटर में कुछ भी, तो उस लंबाई की बना लेंगे, और यहाँ पे जितने पार्ट्स करना है यहाँ पे ऐसे उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, महसूस होगी, लेकिन एक क्वेश्चन में कोई एग्जांपल लेकर आऊँगा, उस क्वेश्चन में आपको मैं पूरा बता दूंगा। तो अभी इसमें इतना ही पढ़िए,
दोबारा वीडियो देखिए, आप रोक रोक के देखिए, इसकी डेफिनेशन, इनमें अंतर समझिए प्लेन और डायगोनल स्केल में। कल या अपने मैं दूसरे लेक्चर में आपको प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल दोनों को बहुत बहुत अच्छे से बारीकी से, आप चिंता बिल्कुल ना करिए। जहाँ कहीं भी आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में, कहीं भी अगर जो डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, या मुझे नंबर आपके पास सबके पास है तो मुझे मैसेज करें, सर यहाँ पे समझ नहीं आया। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो एक साइड से, आप बीच बीच से ये मत कहना कि मुझे लेटर राइटिंग पढ़ना है या नंबर राइटिंग अभी से या प्रोजेक्शन पढ़ना है, पहले हम स्केल स्टार्ट किया है, स्केल कंप्लीट करते हैं।